प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया और लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। राज्यपाल ने कहा, खादी बोर्ड की योजनाओं से जुड़े युवा अपने पैरों पर खड़े हों और दूसरों को भी दें रोजगार। प्रदेश की सभी राशन दुकानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, नई राशन दुकानें भी खोली जाएंगी। और रायगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही घर दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोह का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व भर में बौद्ध धर्मावलंबी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को धम्म संदेशों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके आष्टांगिक मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया और विश्व को शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय की आवश्यकता अधिक से अधिक लोगों को बुद्ध दर्शन से जोड़ने की है। Shows the way towards the well-being of many societies and nations. It highlights the importance of compassion and kindness. The teachings of Lord Buddha celebrate simplicity both in thought and action. Buddhism teaches respect, respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. Therefore, the teachings of Buddhism are the means to a sustainable planet. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और किरेन रिजिजू ने भी इस समारोह को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस गुरुओं के प्रति आदर और श्रद्धा के प्रति गुरु पूर्णिमा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्म गुरुओं और विद्वानों के संदेश सहित कई कार्यक्रम सारनाथ और बौद्ध गया से संचालित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम का संचालन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। और प्रदेश की खबरों में, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने से राजभवन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस त्रिभुवन ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इसके माध्यम से वे अपने पैरों पर खड़े होंगे और दूसरों को रोजगार भी देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं भी स्व सहायता समूह बनाकर स्वयं का उद्यम शुरू कर सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बड़ी संख्या में श्रमिक छत्तीसगढ़ में आए हैं। ऐसे सभी लोगों को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनाओं सहित
अन्य योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। वहीं श्री त्रिभुवन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन की जा रही है, उसमें से सबसे पहली जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में चालू है और इस योजना का लाभ 18 साल के ऊपर वाले कोई भी बेरोजगार व्यक्ति ले सकता है। इसमें जो है 25 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और 10 लाख के जो प्रोजेक्ट है सेवा क्षेत्र के लिए है। जो लोग 10 लाख के ऊपर का प्रोजेक्ट डालना चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, उनके लिए 8वीं पास होना जरूरी है और जो लोग सेवा क्षेत्र में 5 लाख के ऊपर का प्रोजेक्ट डालना चाहेंगे उनके लिए भी 8वीं पास होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में अभी तक जो है 17,000 के करीब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत इकाइयां स्थापित हो चुकी है। इससे लगभग 1,25,000 लोगों को रोजगार मिला है। इस अवसर पर राज्यपाल ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की निर्देशिका का विमोचन भी किया। आयोग की तरफ से राज्यपाल को कोसे की बनी शॉल और साड़ी भेंट की गई। अगली खबर में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मिशन की चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 की कार्य योजना और आगामी 5 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री सिंहदेव ने बैठक में गांव में स्वच्छता व्यवहारों के स्थायित्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें, इसके लिए उन्हें लगातार प्रेरित करने की जरूरत है। गांव के खुले में शौच मुक्त होने के बाद बेहतर साफ सफाई के लिए अब ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री सिंहदेव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन का टिकाऊ मॉडल तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही जनसुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थलों में अधिक से अधिक शौचालयों का निर्माण करने की बात भी कही। स्वच्छ भारत मिशन के संचालक धर्मेश साहू ने बताया कि मिशन का दूसरा चरण 2020 से 2025 तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान गांव में स्वच्छ आदतों के स्थायित्व, पहले चरण में छूट गए शौचालयों का निर्माण, दिव्यांगों के लिए सुलभ शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और फ्लोटिंग आबादी के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से किया जाना है। श्री सिंहदेव ने बताया कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का बेहतर रखरखाव करने के साथ ही विकास खंडों और जिला स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के सभी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अधीन ला दिया है। सरकार ने बैंकों में जमाकर्ताओं के पैसों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाने से जहां कोऑपरेटिव बैंक के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, वहीं बैंकिंग घोटाले पर भी अंकुश लगेगा। इससे पूर्व बैंक के कामकाजों में राजनीतिक हस्तक्षेप होने से ज्यादातर केंद्रीय सहकारी बैंकों में घोटाले के मामले उजागर होते रहे हैं, जिससे जमाकर्ताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी रहने से केंद्रीय सहकारी बैंकों में भर्ती, धान खरीदी, बैंकों की अमानतों और किसानों के बड़े ऋण वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। केंद्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस नई व्यवस्था से बैंकों के वित्तीय व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी। जैसा ज्ञात हुआ है उसमें रिजर्व बैंक द्वारा इसके स्टेट्यूटरी ऑडिट और बैंक में जो हमारे वित्तीय लेन देन होते हैं, जो RBI के 1949 के जो परिपालन सुनिश्चित की जाती हैं जिला सहकारी बैंकों द्वारा, नागरिक बैंकों द्वारा, उस पर सीधी निगरानी रिजर्व बैंक की हो जाएगी। और रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी होने से बैंकिंग व्यवसाय में पारदर्शिता में वृद्धि होगी और साथ ही वित्तीय अनुशासन पर कठोर नियंत्रण होगा, जिससे बैंक और अच्छी तरह से वित्तीय सेवा क्षेत्र के नागरिकों को, किसानों को कर पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में संचालित सभी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों की बैठक में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की समीक्षा की। उन्होंने सभी राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों की आधार सीडिंग शीघ्र करने को कहा ताकि अगस्त माह में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू की जा सके। उन्होंने प्रदेश की सभी राशन दुकानों की दीवारों को तिरंगा कलर से पुताई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 लाख से अधिक एपीएल परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। राशन कार्डों की संख्या बढ़ने के कारण राशन दुकानों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्डों की संख्या के आधार पर नई राशन दुकानें खोली जाएं ताकि लोगों को सहजता से राशन उपलब्ध हो सके। श्री भगत ने खाद्य विभाग द्वारा कोरोना काल में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कार्य को महत्वपूर्ण बताया। खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के 50% से अधिक राशन दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों में एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और रायगढ़ पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर को गोली मारकर 14.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए दो आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। किरोड़ीमल नगर के आजाद चौक में दो नकाबपोशों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों लुटेरे अचानक एसबीआई एटीएम में रुपए जमा करने आई कैश वैन के पास पहुंचे और चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और वैन में रखे 14.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान दोनों नकाबपोशों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हुए और लुटेरों की तलाश में 8 टीमें बनाई गई। मामले का खुलासा होते ही जिले के एसपी संतोष सिंह ने बताया कि पूरे जिले को सील कर 50 नाकेबंदी पॉइंट बनाकर जांच की गई। इस दौरान शहर में लगे हुए सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई जिसमें आरोपियों के शहर से बाहर निकलने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि केराझर गांव के पास दोनों आरोपियों का अंतिम लोकेशन देखा गया था। इसी दौरान मुखबिर ने भी केराझर गांव के पास दो संदिग्धों को देखे जाने की सूचना दी। एटीएम वैन में जो कैश वैन में लूट की घटना हुई थी, इनिशियली हम लोग को बताया गया था कि 13 लाख की लूट है, क्योंकि वो भी कंपनी के कर्मचारियों ने बताया था। बाद में जब रिकवरी हुई तो 14.5 लाख की कैश उसका बरामद हुआ है। इसका मतलब उनसे तो हिसाब में चूक है और वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि सर हो सकता है इससे भी ज्यादा, और पता नहीं हमें नहीं मालूम, तो वो लोग करके बताएंगे कि क्या है। लेकिन हमें लग रहा है कि जो रिकवरी है इनको चूंकि मौका मिला नहीं था भागने का, तो ये लगभग अमाउंट यही रहेगा। और पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सुधीर कुमार सिंह बिहार के खमहौरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पिंटू वर्मा बिहार के रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी रायगढ़ यूनियन बैंक लूटपाट की घटना में भी शामिल था। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया और लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। राज्यपाल ने कहा खादी बोर्ड की योजनाओं से जुड़े युवा अपने पैरों पर खड़े हों और दूसरों को भी दें रोजगार। प्रदेश की सभी राशन दुकानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, नई राशन दुकानें भी खोली जाएंगी। और रायगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।